दुनिया भर की तरह मीरपुर खास उमरकोट की हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार शिवरात्रि भरपूर अंदाज से मना रही है। इस हिस्से में शिव मंदिर पर दो रोजा मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें बड़ी तादाद में यात्री शिरकत कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मीरपुर खास से सैयद बशीर अहमद शाह की इस रिपोर्ट में। दो रोज तक जारी रहने वाले मेले में मुल्क भर से हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले रात्रि शिरकत कर रहे हैं। रात्रियों के लिए खाने पीने और रिहाइश का बंदोबस्त भी किया गया है। मेले में मुख्तलिफ अशिया के स्टालों को भी सजाया गया है। रात्रियों की हिफाजत के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात करने के साथ साथ वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं। महकमा सेहत की जानिब से रात्रियों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। गणेशाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ये हमारा त्यौहार जो है महादेव का, हर साल हम इसको मनाते हैं और इसमें हम बैठकर प्रार्थना करते हैं। और इस दफ़ा हम जो है ख़ास करके हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें बहुत बड़ा मुआशी बहरान चल रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जल्द से जल्द इस सब मुसीबतों को ख़त्म करके हमारे मुल्क में एक पुर अमन जो है माहौल फिजा दे हमें, तो हम सुकून से रह सकें। वैसे आपकी इबादत से हमें बहुत ही सुकून मिलता है और हमारा ये जो मुल्क है वो भी पुरसकून अमन परस हो जाए। हमें तो कोई फुल आज़ादी है, हम किधर भी गए ना, उमरकोट के बाहर भी गए ना, तो भी फुल आज़ादी है और है ना, कभी नहीं रोका गया है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, इधर भी बहुत ही मतलब बहुत ऐसा फील होता है कि हाँ इधर भी भगवान है। ऐसे नहीं है कि इंडिया में सिर्फ भगवान है, भगवान ना इंडिया में ना कहीं अमेरिका में, भगवान हर जगह होते हैं। उनको दिल से याद करो तो कहीं भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम उधर जाएंगे तभी हम उनके हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं। हिंदू बनने के लिए फुल आज़ादी, हम मतलब हम सेवा कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, तिलक लगा के भी जा सकते हैं। तिलक लगा के आए, हमें किसी ने नहीं बोला, मुस्लिम बहन ने भाई ने कि आप तिलक नहीं लगा सकते, ये पाकिस्तान है हमारा, आवाज़ करें आप, ऐसा किसी ने नहीं बोला है। मेले में शिरकत करने वाले रात्रियों का कहना है कि इन्हें वतन अजीज पाकिस्तान में मुकम्मल आज़ादी हासिल है और अपने त्यौहार भरपूर अंदाज से मनाते हैं। यहाँ पे घूमने वाले झूले है, घोड़े वाले झूले है और यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी की जाती है, पूजा वगैरह की जाती है, यहाँ पे भंडारा भी लगता है और कोई रोज़ा वगैरह छोड़ने आते हैं, भंडारा वगैरह लगता है। ये मशहूर हम लोग यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं और हम झूला वगैरह लगता है, हम भंडारा वगैरह छोड़ते हैं। रोहन व्रत रखा था और यही प्रार्थना की थी कि हमेशा आपकी चरणा की भक्ति मिले और आपकी सेवा करते रहे, क्योंकि भगवान के नाम के अलावा तो कुछ दुनिया में है नहीं, जो कुछ भी कर सकते हैं उनके नाम से ही कर सकते हैं, ऐसे अपने हाथ तो कुछ हो नहीं सकता है, भगवान के नाम पे सारा करते हैं। और हमारे वतन पाकिस्तान में ऐसा तो है नहीं कि सेवा नहीं करो वो नहीं करो, हम स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह हम जाते हैं अपनी मतलब करते हैं पूजा वगैरह बात वगैरह, तो कोई नहीं रोकता है कि नहीं करो नहीं करो। पाकिस्तान में ये चीज़ें सब होती है, आप फुल आ जाती है, फुल इंजॉय करते हैं और हरि का नाम लेते हैं, हरि का कीर्तन करते हैं। पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान हमारा देश है। मजहबी रवादारी देखनी हो तो पाकिस्तान आए, जहां बाबा कौम के अहकाम की रोशनी में हर मजाहब के लोग अपनी रसूमात अदा करने में आज़ाद हैं।